दुनिया में आवाज़ें हमेशा बदलती रही हैं रोज़ाना बदलेगी आइंदा भी हाँ अलग अलग किस्म की आवाज़ें आ रही है हर जमाने में मुख्तलिफ़रीक़े चलते हैं लेकिन सब फ़ेल हो जाते हैं एक तरीक़ा जो अल्लाह का पसंदीदा तरीक़ा है वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है हम उस पर जम जावें लोगों की परवाह ना करें अगर लोगों की परवाह करते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे तो हमारा पूरा दीन हाथ से चला जाएगा हम दीन पर जम नहीं पाएंगे लोग तो किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे ये मोमिन की सिफत है कि वो अल्लाह के हुक्म को और हुजूर के तरीक़े को पूरा करने में किसी मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं करते हैं ये ईमान वालों की सिफत है ये सहाबा की सिफत बयान की है कुरान में और जिसको ये चीज़ मिल जावे अल्लाह का बड़ा फजल मिल गया कि लोगों की मलामत की परवाह ना करें अपने दीन पर हम जमें साबित क़दम रहें अपने ईमान पर, पर अपनी इबादत पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े पर हम अपनी जात से जम जावे और हजूर अल्लात वसमाम से मोहब्बत करके आपके तरीक़ों को अपनावे ताकि हर हाल में उसको पूरा करना आसान रहे हाँ दिल से आपसे मोहब्बत करना जैसे जबान से अज़मत के साथ हम आपका नाम लेते हैं आप पर हम दुरूद पाक भेजते हैं ऐसे दिल की गहराइयों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और आपके तरीक़ों को मोहब्बत के साथ पूरा करना तो फिर हमें किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं होगी लोग क्या कहेंगे वो बात नहीं आएगी यही बात होगी कि नहीं हमारे नबी आलाम का ही तरीक़ा है लोग जो कुछ कहते रहे कहते रहे बाकी हम तो आपके तरीक़ों को इस वजह से इख्तियार कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि हम हजूर पाक सल्ला वसम के तरीक़े को अपनावें अपने घर की चार चारदीवारी में इसको दाखिल करें अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें कि हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक होगा ये बात हमें ज़हन में रहनी चाहिए रात के अंधेरे में दिन के उजाले में खुशी में गमी में शादी ब्याह में या और दीगर मौाक़ जो खुशी गमी के होते हैं उन तमाम मौक़ों पर एक बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि हमारा हर काम हजूर पाक सल्ला के मुबारक तरीक़े पर हो अगर काम हमारा आपके तरीक़े पर होगा तो अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा और हमारा वो काम हमारा वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा और अगर हमारा वो काम हमारा वह अमल हजूर के तरीक़े के ख़िलाफ़ है तो फिर अल्लाह पाक उसको रद्द कर देगा मैं अब तगी गैर अस्लामी दीनान फलं अकबल अमिन वह वफ़िलानुवासरीन के जो भी इस्लाम को छोड़ कर किसी और तरीक़े पर ज़िंदगी गुजार कर आएँगे अल्लाह पाक का इरशाद है कि अल्लाह तला उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा हाँ अपने दीन को अच्छी तरह से समझना है दीन के अहकाम को दीन के अमाल को ज़िंदगी ऐसे ही पूरी नहीं करनी है कौम समाज के रस्म व रिवाज के पीछे कि सुबह शाम वही रसूमा चल रहे हैं मंगनी के शादी के बच्चे की पैदाइश पर कुछ रसूम हैं बच्ची को रुफ़त करने के रसूम हैं मौत मैत के रसूम हैं और रसूमात को लोगों ने मज़हब बना दिया है हमारे मजहब में कोई रस्म नहीं है मजहब में तो हजूर सल का तरीक़ा है खाते हुए पीते हुए उठते हुए बैठते हुए सोते हुए जागते हुए निकाह करते हुए हर वक्त आपका तरीक़ा है तरीक़ों की तालीम हमको दी है मकतब में छोटी छोटी किताबों में पढ़ाया गया तहारत का तरीक़ा वज़ू का तरीक़ा नमाज का तरीक़ा शादी क्या है उसका क्या तरीक़ा है और दीगर जिंदगी गुजारने का तरीक़ा है इसलिए रसूमा से अपनी जान छुड़ावें वरना वो रसूमा के बंधनों में जकड़े रहेंगे हमेशा और वही रस्म रिवाज है अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हमें अमल नहीं करने देंगे और नतीजा ये होगा कि कब्र में और हशर में हमसे सवाल पूछा जाएगा हुक्म के बारे में और रसूल के तरीक़े के बारे में कब्र में थोड़ा पूछा जाएगा तुम्हारी समाज का क्या तरीका था और समाज के क्या रस्म व रिवाज थे वहाँ तो नबी का तरीका पूछा जाएगा कि तुम्हारे नबी कौन है वहाँ इस्लाम मजहब के बारे में पूछा जाएगा और मैदान महशर में जो सवाल जवाब होंगे उसमें यह नहीं पूछा जाएगा हमसे इसलिए कोशिश करें इसकी कि अपनी जिंदगी से रसूमात को ख़त्म करें और उसको खत्म करने में भी अगर ये दिल में बात आ रही है कि लोग क्या कहेंगे फिर नहीं कर सकेंगे लोग क्या कहेंगे यही सबसे बड़ा मसला बना हुआ है अल्लाह क्या कहेगा वो तो कोई सोच ही नहीं रहा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत के दिन और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने अहल बैत ने सहाबा और सहाबियात ने जो इस उम्मत को बनाने के खातिर कुरबानियाँ दी हैं क़यामत के मैदान में जब उनसे मुलाकात होगी तो हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे वो जहन में रहना चाहिए वो दिल में रहना चाहिए तो फिर ज़िंदगी रसूमात से पाक हो जाएगी और तरीक़ों पर आ जाएगी तो फिर अल्लाह पाक उस ज़िंदगी में बरकत दे देगा ये अल्लाह का वादा है और ऐसे बंदोबंदियों को अल्लाह पाक इज्जत देगा लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा और सुकून की ज़िंदगी अल्लाह पाक दुनिया में नसीब करेगा जब मौत आएगी तो अल्लाह अच्छी मौत नसीब करेगा और ख़बर के जो दिन क़यामत तक खबर में रहना है अल्लाह ताला अल्लाह पाक कबर को जन्नत का बाग बना देगा और फिर वादा महशर में हिसाब आसान करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक़ादों जाम कौसर नसीब फरमाकर अल्लाह पाक अपने मेहमान खाने में जन्नत में जो हकीकी मज़े उड़ाने की जगह हैं जो असल मज़े करने की जगह जन्नत है अल्लाह पाक जन्नत में ठिकाना दे देगा मेरे बाई दोस्तों और बुज़ुर्गों जैसा कि मौलाना फ़रीद साहब गोदरा ने इस बयान के शुरू में फरमाया कि हर ज़माने और हर अदवार में हर वो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे हालात बेहतर हो लेकिन वो सारे तरीके अल्लाह के नज़दीक फैल है सिर्फ़ इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु हज़ूर सल्ला वाला मुबारक तरीक़ा अल्लाह के हाँ मतलूब है और इसी तरीक़े के ज़रिए हमें कमयाबी मिलेगी और दूसरी बात जो मौलाना ने इस बयान में फरमाए कि हम दीन के मामले में मलामत करने वालों की परवाह गज़ ना करें बस अपने ईमान पर जमे रहे Osionfish. और हज़रत महम्मद सलील्हुस वम्म के मुबारक तरीक़ों पर जमे रहे ताकि दुनिया के हर शोबे में हज़ूर सलील्लाम्म वाला तरीक़ा अपनाना आसान हो जाए अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह हमारी बाकी सारी ज़िंदगी दीन पर गुजारे दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना जानने को मिला होगा मिलते हैं एक नए बयान के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हफ्